विमला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैडम मैंने कहा कि तीन तरह के कैप्सूल खा रही होंगी ना, मैंने मंगाई है दवाई आपके यहाँ से मंगाई है, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं होंगी। हाँ हाँ। तो ना ये दवाई मेरे को ना एक जैतून का सिरका ही मंगाया है मैंने, ये मेरे घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में सारी में दर्द है, मेरे को थायराइड भी है और बवासीर भी है। बवासीर मेरे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है बवासीर की, लेकिन हैगी बवासीर की भी दिक्कत है, मेरे थायराइड भी है। तो मेरे ये जैतून का सिरका मेरे को ना सूट नहीं कर रहा, नसों को ना रात को सोती है, नसें चढ़ती है मेरी बहुत ज्यादा। मैम जो दवाई आई है वो तो बता दीजिए, उनका नाम बता दीजिए। मैडम वो दवाई एक तो उसपे ना एलोवेरा का वो चढ़ाऊ बोल छपा हुआ है कैप्सूल में, एलोवेरा छपा हुआ है। अच्छा। और? और एक में वो हाथ से बना हुआ है का एक डिब्बी पे, और एक है वो टी केयर कैप्सूल, और एक वो आएगा नमक वो क्या कहते हैं तुम्हारे वो कौन सा वो बोलते हैं जैतून का नमक गोंदिया। अच्छा गोंदिया, ठीक है। हाँ ठीक है। तो आपको कुछ फायदा है, आप खा रही हैं ये? अभी तो सर मेरे को फायदा नहीं है लग रहा ज्यादा, मेरे एक महीने से ज्यादा हो गया, मुझे 14 तारीख से खाना शुरू करा है मैंने। ठीक है, सुनिएगा कैसे कैसे आपको खाना है, क्या पता आप जो दवाई खा रही हैं कहीं ना कहीं चीजें मिस हो रही हैं कुछ। हकीम साहब देखिए 14 तो अभी गई है, मगर 10-12 दिन ही हुए हैं आपको खाते हुए। और देखिए एक टाइम पे गौंद सिया खाइए, जो गौंद सिया है वो एक टाइम पे खाइए 2 चुटकी। दूसरे टाइम पे जो कैप्सूल है वो खाइए, एक साथ ये दोनों कैप्सूल मत खाइए, ऐसे 2-2 या 3-3 घंटे के फ़र्क से खाइए। और अगर जैतून का सिरका आपको सूट नहीं करता तो वो आप रोक दीजिए, उसे मत लीजिए। और दवा तरीके से खाइए, थोड़े थोड़े फासले से खाइए, एक साथ मत खाइए, और 5-6 महीने खाइए। थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है अभी आपको, लेकिन अभी आपको 10-12 दिन ही हुए हैं, 10-12 दिन में अगर 10-12% फ़ायदा है तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए, लगातार 5-6 महीने दवा खाएं, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है जी।